भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। परम श्रद्धेय प्राचार्य महोदय, आदरणीय प्राचार्य महोदय, सम्मानीय शिक्षकगण और बहुत ही प्यारे बच्चे, स्वामी विवेकानंद का वाक्य है, अयम निजम परावेति गणना लघु चेतसाम उदार हृदयानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। साथ तेरा मेरा सोच रखने वाले तुच्छ मानसिकता के लोग होते हैं, उदार हृदय वाले, बड़े दिल वाले, उनके लिए तो ये सारा संसार ही एक परिवार है। ऐसा ही हमारा इस छोटा सा परिवार है, नवोदय परिवार, जिसकी एक छोटी सी इकाई राष्ट्रीय सेवा योजना यहाँ पर संचालित हो रही थी। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि ये 7 दिवसीय शिविर का समापन होने जा रहा है, मैं ये कहना चाहूँगा कि ये एक शुरुआत है छोटी सी, और इसको बहुत दूर तक ले जाना है, क्योंकि राष्ट्रीय सेवा योजना का एक वाक्य है कि इस पद का उद्देश्य नहीं है श्रांत भवन में टिक जाना, किंतु पहुंचना उस सीमा तक जिसके आगे राह नहीं, जिसके आगे राह नहीं। साथियों, आप सभी का बहुत सहयोग मिला, सर्वप्रथम प्राचार्य महोदया, उप प्राचार्य सर और शिक्षक वृंद, हमेशा मुझे कभी ऐसा नहीं लगा इन 7 दिनों में, और पहले भी जब भी शिविर लगाए हैं, सभी तन मन धन से, चाहे मालवी सर हों, मिश्रा जी हों, या पुष्कर सर हों, हमारे कल्पेश सर हैं, शर्मा जी हैं, राय सर, पांडे जी हैं, कभी भी ऐसा नहीं लगा कि वो इस कैंप का हिस्सा नहीं है। जब उनको बुलाया गया तुरंत बड़ा दिल लेकर, क्योंकि वो बड़े दिल वाले हैं, बड़ा दिल लेकर हमारे पास आए और हमें उचित मार्गदर्शन दिया। देखिए, कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता, उसमें सभी का सहयोग अनिवार्य होता है। मैं छोटे बच्चों का भी यहाँ जिक्र करना चाहूँगा, उन्होंने हमें भरपूर सहयोग दिया, मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। मैं ग्रुप बी मैस कर्मचारी और अन्य जो भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इस शिविर के हिस्से रहे हैं, उन्होंने मदद की है, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये कहना चाहता हूँ कि अभी जूनियर बच्चे ये ना सोचें कि सर दोपहर में दाल बाटी खुद ने खा ली और हमको चुपचाप वहाँ से रुखसत कर दिया, ऐसी बात नहीं थी। हमारे NSS के बच्चों का कहना था कि सबसे पहले टीचर, हमारे शिक्षक वृंद, उनको हम भोग लगाएंगे, उसके बाद ही हम भोजन करेंगे, तब तक करते करते 3:30 बज गए। तो आपका ऐसा नहीं है, अभी डिनर के टाइम आपको उपलब्ध हो जाएगा, आपका सामग्री रखी हुई है, इसलिए बुरा मानने की बात नहीं है। साथ ही ये कहना चाहूँगा कि युवा, आज के जो युवा हैं बहुत ही ऊर्जा से भरपूर है। युवा को मैं वायु से तुलना करता हूँ, युवा का उल्टा वायु होता है। ये वायु यदि इसको संतुलित नहीं किया जाए, इसको यदि डिसिप्लिन वे में नहीं लाया जाए, इसको चैनलाइज नहीं किया जाए, तो ये तूफान का रूप ले लेती है और तहस नहस कर देती है इस पूरी कायनात को। मैं NSS के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि इस वायु रूपी युवा शक्ति को हम पवन चक्की के रूप में, हम एक नए राष्ट्र के निर्माण में, हम एक स्वच्छ भारत के निर्माण में, हम बेटियों के बचाने वाले भारत में, हम जैसे कि कहा गया है भारत में ही कि यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, ये देवताओं की भूमि है, पुण्य भूमि है। यहाँ पर बेटी बचाओ अभियान चलाना एक थोड़े शर्म की बात है, क्योंकि ये यहाँ तो बेटियों को देवी का रूप माना गया है, लेकिन कुछ कारण बस रहे हैं कि हम भटक गए हैं और बेटी बचाने के लिए अभियान चलाना पड़ रहा है। साथ ही मैं कहना चाहूँगा कि वायु के साथ साथ ये हमारे युवा जल भी हैं। ये जल कैसा है, यदि रुक जाए तो ये बर्फ बन जाता है, पत्थर बन जाता है और पानी सड़ने लगता है। युवा शक्ति का भी यदि आप इनको आगे नहीं बढ़ाएंगे, एक नदी का रूप नहीं देंगे, तो इनके अंदर की ऊर्जा कुंठित हो जाएगी, बड़े विकृत रूप में वो बाहर आएगी, तब हम उसका कुछ नहीं कर पाएंगे। तो समय रहते जाग जाइए, क्योंकि थोड़ा सा धुंधलका हुआ है, अभी अंधेरा नहीं हुआ। इस उपवन की हर डाल पर गिद्धों का बसेरा नहीं हुआ है,
थोड़ा सा हमारी टीचर्स ब्रह्म मेहनत करेंगे, थोड़े से युवा शक्ति उनको मार्गदर्शित करेगी, ये वर्तमान युग को बहुत ऊंचाइयों तक ले जाएंगे, खुद का भविष्य भी सुधारेंगे और देश का भविष्य भी सुधारेंगे। तो मैं ये कहना चाहूंगा अपने बातों को विराम देते हुए कि ये अभी मात्र एक शुरुआत है, छोटे छोटे बच्चे आगे आएंगे और हमारे इस विद्यालय को और सुंदर बनाने में मदद करेंगे। मैं यही विनती करूंगा कि अभी फिर से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो भी इस शिविर में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सहायक रहे उनका तहे दिल से धन्यवाद है, और सबसे ज्यादा धन्यवाद शाह सर का, इन्होंने ये शाम को रंगीन बनाया। धन्यवाद। जय हिंद। हाउस वाइज खड़े हो जाइए सभी।